गाइज यार स्वागत है आप सभी का दोबारा से मेरी एक और न्यू अमेजिंग वीडियो के अंदर। एंड गाइज आज की इस वाली वीडियो के अंदर मेरे पास है कुछ ओपी टूल्स, ओपी स्वॉर्ड, ओपी पिकैक्स एंड ओपी बो। लिटरली गाइज ये इतनी ज्यादा ओपी आप लोग सोच भी नहीं सकते। सबसे पहले तो आप लोग देख लो यहाँ पे ओपी स्वॉर्ड, ओपी पिकैक्स एंड ओपी बो के बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूँ जल्दी से। लेकिन उससे पहले गाइज अगर आपने चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक नहीं करा तो जल्दी से कर दो। तो आप लोग देख सकते हैं फिलहाल के लिए मेरे पास यहाँ पे स्वॉर्ड है जिसपे हार्ट उसन का डैमेज है और ये दो तो अपने नॉर्मली यहाँ पे दिखा रखे गाइस। और अभी वेट भाई रिलोड भी नहीं लिया ये। वेट 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 क्या ये बिना तीर के अटैक कर रही है भाई? पहले मैं अपने सारे तीर यहाँ पे फेंक दे तो अब चला के भाई ये वाली जो चीज है मतलब वो है रिलोड भी नहीं ले रही हो, बहुत ही ज्यादा तेजी से एकदम 30 तीर एक साथ छोड़ रही है भाई। तो गाइस अभी आप लोग सोच सकते हो कि 30 तीर एक साथ आए तो क्या हो सकता है, वो भी विदाउट रिलोड और वो भी फुल रफ्तार से गाइस। एंड अभी तो मैंने गाइस यहाँ पे पिकैक्स और बो को तो अपनी पिकैक्स और स्वॉर्ड को तो यहाँ पे टेस्ट ही नहीं करा, पता नहीं इनके अंदर कितनी पावर होने वाली है भाई साहब। एक साथ इतने सारे तीर ये तो यार बहुत ही ज़्यादा क्रेजी बात हो जाती है अगर मैं देखूँ तो। अरे भाई साहब मुझे पता है ये बचने वाले नहीं है क्योंकि इतने सारे तीर एक साथ पता नहीं क्या ही कर सकते। आप लोग देख सकते भाई किस तरीके से यहाँ पर लाइनें लग गई हैं भाई तीरों की, कितने ज़्यादा खतरनाक हो सकती है ये वाली वो एक नॉर्मली कि नॉर्मल किसी के भी लिए। और बाय द वे यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैंने बेचारे घर को कितना छील दिया है यार यहाँ पे। और अभी ये मेरे हाथ से बहुत ज़्यादा गंदा पिटने वाले हैं क्योंकि इसने मेरे को देख के भागा कैसे पहली बात तो। तू जरा नहीं तुम लोग बहुत गंदा पिटोगे चल तेरी। अरे मरा नहीं? अरे यार यही तो दिक्कत है गाइस कि तुम्हारे भाई का निशाना पक्का तो है लेकिन इनकी हेल्थ पता नहीं यार क्यों ज़्यादा होती है। बाय द वे भी मैंने बाकी दोनों चीज़ों को तो चेक भी नहीं कर रहा है। सबसे पहले इसको चेकआउट करते हैं एंड इससे ओके। तो इसने बहुत सारे ब्लॉक्स को एक साथ माइन कर दिया इस वक्त जैसे कि आप लोग देख सकते हो। और मैंने दूसरे घर में सिंपल ऐसे ही जा सकता हूँ। फिलहाल के लिए खाना इकट्ठा कर लेते हैं यहाँ से ठीक है। एंड उसके बाद ये क्या हुआ है आखिर? ओके ओके फाइन। तो यार इसका मतलब है गाइस ये वाली पिकैक्स हमारी एक चंक को पूरा माइन कर सकती है जैसा कि यार आप लोग देख सकते हो इस वक्त पूरा का पूरा एक चंक माइन हो चुका है। एंड गाइस यहाँ पे कैमल है मेरे पास ओके। तो कैमल से अगर मैं इसको मारूँ तो क्या ये मुझे मार सकता? मार पाए? अरे माय यार मुझे लगा ये मुझे मार नहीं पाया क्योंकि कैमल के ऊपर भाई कोई भी मॉब हमें नहीं मार सकता। लेकिन गोलम की हाइट तो यार बहुत ज़्यादा होती है, वो तो हमें मार ही सकता है इजीली। इसीलिए अब ये लोग मेरे हाथ से नहीं बचने वाले क्योंकि गोलम की हिम्मत कैसे हुई, मेरे पास ओपी टूल्स थे और इसने मेरे को कैसे मारा। भागना पड़ेगा भाई, वो मेरे पीछे पीछे आ रहा है। ये वो है तो अच्छी लेकिन भाई डैमेज तो उतना ही दे दिया। तुम बचेगा नहीं तू? ओके फाइन मैं डर गया भाई, अब मेरे को दोबारा भागना पड़ेगा। इसने कितना आयरन दिया मेरे को? टोटल 4। चलो अच्छी बात है, कम 3 तो नहीं दिया एटलीस्ट। वैसे 3 से कम देना गाइस बेकार रहता है क्योंकि भाई पिकैक्स तो हम बना नहीं सकते। और बाकी थोड़ा खाना इकट्ठा करते हैं। अबे ये क्या हुआ भाई? मेरे को रेजिस्टेंस मिल चुका है वो भी 2 सेकेंड की। ये हुआ क्या? नहीं नहीं 2 मिनट को पहले खाना इकट्ठा करते हैं एंड उसके बाद हम कुछ नहीं करने वाले मेरे हिसाब से। गाइस जो अपनी स्वॉर्ड है वो यहाँ पे TNT के ब्लास्ट कर सकती है जो कि एक बहुत ही ज़्यादा क्रेजी बात है यार। TNT के ब्लास्ट वो भी इन्फिनिटी एंड मुझे रेजिस्टेंस मिल जाता है जिसकी वजह से मैं मर ही नहीं सकता। तो आप लोग सोच रहे हो ना कितना ज़्यादा क्रेजी बात है यार कि भाई मेरे पास TNT ब्लास्ट है वो भी इन्फिनिटी एंड मैं मर नहीं सकता TNT ब्लास्ट अगर मैं करूँ गाइज। तो फिलहाल के लिए मुझे यहाँ पे एक केव दिखाई दे चुकी, केव नहीं यार ये एक रिवीन है, रिवीन मेरे को दिखाई दे चुकी है। मैं इसके अंदर जा रहा हूँ एंड उसके बाद गाइज मेरा गोल होने वाला है एंड ड्रैगन को पेलना, वो भी बड़ी अच्छी तरीके से उसकी कुटाई करना। आप लोग सोच भी नहीं सकते भाई कितनी ज़्यादा खतरनाक कुटाई होने वाली है। वहाँ पर स्केलेटन है क्या? जॉम्बी तो मेरे को दिखाई दे रहा है। स्केलेटन शायद नहीं, स्केलेटन नहीं है। ऐसा करो ये सब छोड़ो और वेट गाइज। एक तो यार गाइज ये पिकैक्स पूरा का पूरा चंक माइन कर देती है जिसकी वजह से मेरा गेम भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा लैग करता है। ओके तो यहाँ पे जल्दी से ओ भाई ऐसे ये देखो यार मतलब पूरा ग्लिच हो जाता है भाई, दिखाई नहीं था एक पल को तो भाई आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है यहाँ पे। और यहाँ पे जितने भी हो रहे हैं एटलीस्ट चलो ये बात अच्छी बात है कि इसके लिए कोई डिफरेंट पिकैक्स नहीं है भाई, और वो सब कुछ कलेक्ट करके दे रही है हमें ठीक है। मतलब मेरा बहुत सारी मेहनत ये बच्चा ले रही। ओके तो फाइनली आप लोग देख सकते हो यहाँ पे इस वक्त दोबारा से यहाँ पे चंक अपना वो हो चुका है। एंड ओके यार ये मॉब्स मेरे हाथ से बहुत गंदा पिटने वाले। चल वेट ये क्या हुआ भाई?
वाओ, इसकी हेल्प से गाइस मैं इस ओर्स को भी अभी रिमूव कर सकता हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक तो हैंग कर रहे थे एंड मैं उड़ भी सकता हूँ क्या इसकी हेल्प से? प्लीज़ उड़ सकता हूँ तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है गाइस, क्योंकि लेकिन फिलहाल के लिए तो मैं उड़ नहीं पा रहा हूँ जैसे कि अगर मैं देखूँ गाइस। लेकिन ये अच्छी बात है कि हाँ मैं पिकैक्स को तोड़ के गाइस यहाँ से इन ब्लॉक्स को रिमूव कर सकता हूँ, जिसकी वजह से मेरा गेम गाइस यहाँ पे लैग नहीं करने वाला और लैग ना करेगा, एक बहुत ज़्यादा अच्छी बात है गाइस। एंड लिटरली यार ये ओपी स्वॉर्ड बोर पिकैक्स बहुत ही ज़्यादा क्रेजी है। ओके तो फिलहाल के लिए मैं उड़ रहा हूँ, मैं उड़ रहा था यार, अभी आप लोग ढंग से देखो तो गाइस। एंड रेजिस्टेंस मेरे को 3 सेकंड का मिल जाता है जिसकी हेल्प से गाइस अगर मैं थोड़े अपनी साइंटिफिक फिजिक्स लगाऊँ तो। ओके तो मैं इस वक्त गाइस यहाँ पे सिंपली उड़ रहा हूँ, आप लोग देख सकते हो भाई अब मतलब कि आई बोलू मैं आपसे, और मैं जस्ट गाइस जमीन से टकराने से पहले ना एक बार और ब्लास्ट कर दूंगा ताकि मेरे को 3 सेकंड का रेजिस्टेंस और मिल जाए एंड जिसकी हेल्प से मेरी को डैमेज ना मिले, क्योंकि इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद तो मुझे नहीं लगता कि हाँ भाई तुम्हारा भाई बचने वाला। तो मैंने अपना रेजिस्टेंस ले लिया है, नीचे चलते हैं एक बार। ओके तो मैंने अभी 2 ब्लास्ट कर दिए जिसकी वजह से मेरे को यहाँ पर रेजिस्टेंस अच्छा खासा मिल गया है गाइज। एंड ये लगता है बहुत गंदा, क्या ही बोलूँ यार, एक हिट में तो ये लोग जा रहे हैं, क्या ही मतलब क्या ही बोलूँ मैं आप लोगों को। यहाँ पे 6 डायमंड भाई, आयरन डायमंड देखो यार तुम लोग कितने सारे भाई, मतलब अपना तो यहाँ पे लोहा और डायमंड डायमंड हो चुका है गाइज, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो। फिलहाल के लिए रिमूव कर देते हैं ठीक है, और अभी यार मेरा गेम यहाँ पे लैग नहीं करेगा, अंधेरा बहुत ज़्यादा हो चुका है, थोड़ा ऊपर चलते हैं उसके बाद में थोड़ा लॉक वॉक चुएंगे क्योंकि भाई लॉक के सिवा मेरे पास और अभी मतलब कुछ है ही नहीं। पहले हम लोग सीधे निकलने वाले हैं, थोड़ा लॉक वॉक इकट्ठा करेंगे एंड कितनी ज़्यादा ऊंचाई पर चले गया था भाई, मतलब बादलों से भी एटलीस्ट ऊपर में चले गया था, पानी के अंदर इज्जत से लैंड करके देखते एक बार क्या होता है। ओके क्या मैं पानी के अंदर से फ्लाई करा सकता हूँ? वैसे करा तो नहीं सकता, लेकिन नहीं करा सकता हूँ पानी के ऊपर भी गाइस, मैं इस जस्ट से फ्लाई करा सकता हूँ। एंड यहाँ से मैं सिंपल आ चुका हूँ एक मैसा बायोम के पास गाइस। एंड लिटरली यार अब तो ये नॉर्मल बायो मतलब इतने ज़्यादा रेयर बायोम भी गाइस अब रेयर नहीं रही है ना। हाँ एक मशरूम बायोम है जो शायद से मेरे को अभी तक एक बार भी गाइस नहीं मिली है ना, और बाकी जिसको मैसा बायोम को हम लोग रेयर कहते थे तो गाइस वो मेरे को अभी तक गाइस मतलब बहुत बार मिल चुके, तो मेरे हिसाब से वो रेयर नहीं है। और फिलहाल के लिए हम यहीं पे गाइस माइनिंग करने वाले हैं क्योंकि मैसा बायोम में गाइस आपको पता ही होगा भाई कितने ज़्यादा इजीली हमें ओर शोर मिल जाते हैं यहाँ पे। एंड अभी तो फिलहाल के लिए मैं गाइस इसकी एक सेंटर जगह देख रहा हूँ क्योंकि आपको तो पता है ये पूरा एक चंक माइन करता है और मैं नहीं चाहता भाई कहीं पानी वानी घुसे और मेरा गेम ख़राब हो ठीक है। तो फिलहाल के लिए ये एक अच्छी खासी जगह दिखाई दे रही है और मैं ये सिंपल सीधे स्ट्रेट डिग डाउन करने वाला हूँ एंड आप लोग देख सकते हो गाइस। ओके तो यहाँ से थोड़ा सेंटर में चलते हैं, और वेट यार मैं डायमंड के पिकअप से क्यों कर रहा हूँ, यहाँ से सिंपल हम लोग ऐसे खोदते और ये देखो मैं किस तरीके से नीचे गिरता हूँ और यहाँ पर मेरा गेम ब्लैक करता हूँ और अचानक से मुझे एक एंड पोर्टल मिल चुका है। यार आप ये किसने तीर मारा भी मेरे को है, ये कौन है भाई चुंदर जो मेरे को कौन है भाई कौन नहीं किसकी तेरी भाई अब ये चल तेरी, अरे हाँ भाई यार पागल कर रखा चल, अरे भाई इसे पता नहीं भाई ओपी टूल से मेरे पास मेरे को यहाँ पे जादुई तरीके से एंड पोर्टल मिल चुका, पता नहीं कैसे एंड पोर्टल आया मेरे को तो पता ही नहीं भाई कैसे आया ना। भाई तो मैं आ चुका हूँ एंड के अंदर, अब मैं इसकी अच्छी तरीके से यहाँ पे कुटाई करने वाला हूँ भाई साहब। एंड क्रिस्टल तो मिल लिया, बच्चों का खेल है वैसे, तुम्हारे भाई का बहुत ज़्यादा बेकार है, मैं एंड क्रिस्टल गाइस नॉर्मली नहीं फोड़ सकता और शायद इससे भी ना फोड़ पाऊँ ना। और बाय द वे रही बात तो ये चलो अच्छी बात है मैंने यहाँ पे रेजिस्टेंस ले लिया था जिसकी वजह से मैं बच गया, नहीं तो ये एंड ड्रैगन मेरे को नहीं छोड़ने वाला था क्योंकि मुझे पता है इसके 2-3 एंड क्रिस्टल फोड़ेंगे और मेरे पास स्वॉर्ड के अंदर लग रखा है 1000 डैमेज जिसकी मदद से आप लोग समझ रहे हो ना। हाँ बस समझ जाओ यार 1000 डैमेज से क्या नहीं हो सकता, और यार मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि एक बहुत अच्छी वाली कुटाई मांग रहा है ये एंड ड्रैगन है, चलो इसकी कुटाई करके आते फिर तो। ओके फाइनली यार अपना एंडर ड्रैगन आ चुका है हमसे पिटने के लिए, अच्छी खासी तोड़ाई इसकी चल रही है, लेकिन ये हो क्या रहा है भाई, डैमेज नहीं पहुंच रहा इसके, क्या पागल मत भाई स्वॉर्ड ख़राब तो नहीं होगी मेरी? अरे भाई यार 1000 डैमेज से एक हिट में गया। हाँ TNT इसके ऊपर यूज़ नहीं कर रहे थे गाइस, मतलब TNT जो ब्लास्ट हो रहे थे TNT के ब्लास्ट वो इसके ऊपर काम नहीं कर रहे थे अंडा अपनी बो काम कर रही थी, लेकिन जो 1000 डैमेज था गाइस उसने इसको अच्छी तरीके से नींद सुला दी है। और फाइनली मेरी XP मेरे को मिल चुकी है और मेरे दिमाग में गाइस एक आइडिया पता नहीं क्यों आ रहा है, और नहीं वो बज गया, नहीं तो मैं अभी अंदर गिरता
बाय द वे मैं उड़ तो सकता हूँ, ठीक है, एंड 1000 ब्लॉक्स दूर भी इजीली जा सकता हूँ। तो एक बार चल के देखते क्या हमें स्वॉर्ड की हेल्प से गाइस 1000 ब्लॉक दूर अपने जो अपने एंड सिटी की जो गाइस एंड सिटी तक गाइस क्या जा सकते हैं। एंड मैंने अपने कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे ऑन कर लिए, एंड आप लोग देख सकते हो मैं 300 से लेके 400 कोऑर्डिनेट्स को पहुँच चुका हूँ। एक्चुअली मैं गाइस केवल कोऑर्डिनेट्स के ही जरिए जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, पूरा का पूरा ब्लैक है। मैं सिंपल यहाँ पे ब्लास्ट करते हुए जा रहा हूँ, लेकिन मेरी स्वॉर्ड की एचपी बहुत ज़्यादा कम है, तो थोड़ा देख के भी ब्लास्ट मेरे को करने पड़ेंगे गाइस, क्योंकि स्वॉर्ड की एचपी बहुत ज़्यादा कम है मेरी। एंड मैं भी यहाँ पे करीबन 900 ब्लॉक दूर आ चुका हूँ। 1000 ब्लॉक दूर मेरे को सिटीज मिल जानी चाहिए अभी इस वक्त गाइस, तो 1000 ब्लॉक अपने हो चुके हैं। एंड मेरे को अभी तक गाइस सिटी नहीं मिली है कोई भी, और ना ही आइलैंड मिल चुके हैं मेरे को फाइनली। और वेट, अरे नहीं मैं वॉइड में गिर गया भाई, वॉइड में गिर गया था मैं, मेरे भाई सब बचाओ। बस यही था भाई, मतलब वॉइड में मैं गिर गया था। एक तो यार यहाँ पे ना स्वॉर्ड को उल्टा पकड़ना पड़ता है जब मैं अपोजिट डायरेक्शन में जाता हूँ, मतलब जिस डायरेक्शन में जाना है उसका अपोजिट करना पड़ेगा, उसके बिना मैं जा नहीं सकता, और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है गाइस, क्योंकि थोड़ा मुश्किल आता है। और मैं भी इसी तरीके से गाइस उड़ने वाला हूँ और देखने वाला हूँ कि हाँ भाई मेरे को आखिर कब तक एक एंड सिटी फाइंड होने वाली है, कब तक मेरे को एंड सिटी फाइंड हो सकती है। ओके, तो देखते गाइस कब तक आखिर एंड सिटी फाइंड होती है मेरे को इसी तरीके से स्वॉर्ड की हेल्प से। और फाइनली मेरी स्वॉर्ड यहाँ पे टूट चुकी है, काफ़ी देर बाद भी मेरे को यहाँ पे कोई एंड सिटी गाइस नहीं मिली है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, एंड ऐसी अमेजिंग के अमेजिंग चैलेंज आते रहते हैं, तो गाइस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस अमेजिंग वीडियो, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।